25 दिसंबर को आप में से कई लोग क्रिसमस डे के रूप में मना रहे होंगे और आप में से कई लोग अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के रूप में एक तरह से देख रहे होंगे। समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि उनका 25 दिसंबर को उनका बर्थडे भी हुआ था। आप सभी को मालूम भी होना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। आज बीजेपी जो पार्टी बनी हुई है, जो इतनी ऊंचाई पर है, उन्हीं की एक तरह से देन है, उन्हीं के प्रयासों की एक तरह से आप कहिए, उन्हीं का एक तरह से श्रेय जाता है इसका। समझ रहे हैं, ऐसे भी हमारे देश में दिन रहे हैं कि 13-13 पार्टियों का गठबंधन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में था। समझ रहे हैं, सबको लेने आगे बढ़ने की बात। एक उनका प्रसिद्ध भाषण डला हुआ यूट्यूब पर, आप लोग देख सकते हैं कहीं भी, कि सरकारें आएंगी जाएंगी। बड़ा धांसू एक तरह से बड़ा अच्छा भाषण दिया था उस समय उन्होंने, जब उनकी सरकार गिर रही थी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इनका 25 दिसंबर 1924 को इनका जन्म होता है। ग्वालियर एमपी में शहर पड़ता है, मध्य प्रदेश में, वहीं के थे, ठीक है। और इनकी डेथ होती है 16 अगस्त 2018 को इनकी डेथ होती है। ये आपका प्यारा भारत, इसी के थे वो, ठीक है। आप अपने पड़ोसियों को भी देख सकते हैं, या श्रीलंका हो गया, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। याद रखिए ना आप लोग, स्टेट को, राज्यों को क्रम से याद रखिए, कितने राज्यों की किससे सीमा लगती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने राज्यों की लगती है। इस तरह के क्वेश्चन आपके कई बार स्टेट पीसीएस में प्रारंभिक परीक्षा में पूछ लेता है, ठीक। चलिए अब क्रिसमस डे के बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्म दिवस के अवसर पर क्रिसमस त्योहार संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। संपूर्ण विश्व के विशालतम धर्मों में से एक ईसाई धर्म की स्थापना ईसा मसीह द्वारा जेरूसलम में की गई थी। ईसा मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था और इनके जन्म के साथ ही ईसवी संवत का शुभारंभ भी माना जाता है। आप लोग कहते हैं ना कि ईसवी और ईसा पूर्व, आप में से कई लोगों को यही मालूम नहीं रहता है, कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं। तो बीसी और एडी में यही अंतर है कि ईसा साहब के जन्म के पूर्व को आप लोग बीसी कह देते हैं और उनके जन्म के बाद को एडी कह देते हैं। ईसा के जन्म के पूर्व को ईसा पूर्व और ईसवी उनके जन्म के बाद को, ठीक है। याद रखिए, एक तरह से आप लोग ऐसे इस तरह समझ सकते हैं कि आपका घर में जन्म हुआ, ठीक है, और आपके पिताजी से कोई पूछे कि आपने ये घर कब बनवाया था, तो वो क्या बोल दें कि हमने अपने बेटा की जन्म होने के 5 साल पहले। अगर उनने 5 साल बाद बनवाया तो क्या बोलेंगे, हम अपने बेटे के जन्म के 5 साल बाद इस घर को बनाया था। तो इसी तरह उनकी इसको बीसी एडी में आप लोग फर्क कर सकते हैं। इस धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबल है, इसे भी याद रखिए। इस धर्म में पवित्र त्रिमूर्ति अर्थात परम पिता ईश्वर, ईश्वर के पुत्र यीशु और पवित्र आत्मा की आराधना होती है। बाइबल पुस्तक में यहूदियों के प्राचीन आदेश तथा पोप द्वारा निर्देशित रोमन कैथोलिक के नवीन आलेखों को मिलाकर एक संकलित ग्रंथ है, और समय के साथ साथ अपनी प्रखरता पर आते हुए यह धर्म रोमन साम्राज्य का राजधर्म भी बन गया था। रोमन साम्राज्य का राजधर्म बनते ही तीव्र गति से इसका विकास भी हुआ। रोमन कैथोलिक ईसाई धर्म का आधार वेटिकन सिटी बना। समय के साथ साथ इसमें कई सारी कुरीतियां भी आती गई, जिसने आगे चलकर इस धर्म में धर्म सुधार आंदोलन हुए हैं। ईसाई धर्म में धर्म सुधार आंदोलन की बात करें, आप जानते हैं कि मुस्लिम धर्म हो, फिर चाहे वो कोई भी धर्म, हिंदू धर्म हो, सब में आगे चल के इस तरह की कुरीतियां आती गई, बुराइयां आती गई। फिर आपने देखा समय समय के साथ उनमें धर्म सुधार आंदोलन भी हुए हैं। समझ रहे हैं आप लोग, धर्म सुधार से अभिप्राय इस धर्म में व्याप्त कुरीतियों तथा रूढ़िवादी तत्वों के विरुद्ध होने वाले आंदोलन से है, जिसका प्रारंभ पुनर्जागरण के उत्तरवर्ती काल में हुआ है। आप लोग भी तो अपने इतिहास में पढ़ते हैं धर्म सुधार आंदोलन के बारे में, उसमें आप लोग मुस्लिम धर्म के सुधार की बात करते हैं, हिंदू धर्म सुधार की बात करते हैं, और भी जिन्हें जैन हो, बुद्ध हो, कोई भी धर्म हो। धर्म सुधार आंदोलन के कारण की बात करें, धर्म सुधार आंदोलन का सबसे प्रमुख कारण बढ़ता हुआ राष्ट्रीय चेतना का प्रभाव था। मध्यकाल में पोप इतना शक्तिशाली हो गया कि वह राज व्यवस्था में हस्तक्षेप कर राजा को परिवर्तित कर देता था। इस प्रकार आम जनता पोप को विदेशी पोप की निगाह से देखने लगी। विदेशी पोप के प्रति आस्था में कमी आई। चर्च में बढ़ता हुआ अनैतिक कृत्य धर्म सुधार आंदोलन के महत्वपूर्ण कारणों में से एक था। विभिन्न धार्मिक पदों की बिक्री, विभिन्न संस्कार यथा पाप स्वीकार संस्कार और मृत्यु प्रमाण पत्र देने के लिए चर्च धन उगाही करता था, और इससे समाज में असंतोष जागृत हुआ। इसके कारण भी इसमें धर्म में सुधार करने की आवश्यकता पड़ी। चर्च द्वारा नियत आचरण न करने की स्थिति में किसी भी व्यक्ति की संपत्ति जब्त कर ली जाती थी, और इन सभी कारणों से चर्च के विरुद्ध लोगों का विद्रोह बढ़ता चला गया है।
आप भी जानते हैं कि जब कहीं ज्यादा ही बुराइयां हो जाती हैं तो वहां एक तरह से विद्रोह होता है और सुधार आगे होता है। समझ रहे हैं आप लोग। भौगोलिक खोजों व्यापार इत्यादि के बढ़ने से यूरोप का अन्य देशों के साथ संपर्क में बढ़ोतरी आई है। इससे क्या होगा कि आप समझिए कि आपके क्षेत्र में कोई आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, आपके अधिकारों का हनन कर रहा है, जब आप दूसरे देश में जाएंगे या दूसरे क्षेत्र में जाएंगे, वहां खुशहाल होंगे लोग, तो आपके मन में भी एक तरह से चेतना जागेगी कि हम क्यों नहीं रह सकते। आप फिर उसके बाद सुधार की बात करेंगे कि हमारे यहाँ भी सुधार होना चाहिए, आप भी विद्रोह करेंगे, आप भी आंदोलन करेंगे। ठीक है, तो इसी की बात कराऊं। कागज तथा पेंटिंग पेज के आविष्कार से धर्म शास्त्र की प्रतिलिपियां आम आदमी तक पहुंची। इससे सामान्य जनता ने धर्म शास्त्रों की गुणवत्ता को समझा तथा उन्हें यह लगा कि चर्च द्वारा अब तक जनता को वर्ग लाया गया था। एक और बात याद रखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि हिंदू धर्म में जब तक जो भी इस तरह के धर्म जो भी होते हैं, गुरु होते हैं, धर्म गुरु जिन्हें आप लोग कहते हैं, ये क्या करते हैं कि अपने हिसाब से, ये अपने हिसाब से करते हैं, किसी की भी परिभाषा कर देते थे। आप समझिए कि आप पढ़े लिखे नहीं है, आपसे कोई कहते कि नहीं ये सही है, ये गलत है, ये इस तरह का है, आप समझ रहे हैं। अब किसी ने, आप कैसे कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति पुरुषों से नीचे है। अभी केरल मामला आपने देखा होगा ना कि महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं थी उस मंदिर में, और किसने ये पूरी अवधारणा गढ़ी, धर्म गुरुओं ने। आप समझिए, जो पैदा हुए जिस महिला से वो अछूत हो गई, और जो धर्म गुरु वहां बैठे हुए हैं प्रवचन दे रहे हैं वो शुद्ध हो गए। ये तो कहीं का एक तरह से आप समझिए कि न्याय नहीं है, आप समझ रहे हैं। उसमें आपने देखा है न्यायालय ने हस्तक्षेप किया, बाकी में न्यायालय में एक तरह से निर्णय भी दिया, अब महिलाएं भी जा सकती हैं। व्यापार के बढ़ने के बाद व्यापारी वर्ग धनाढ्य हो गए, और चर्च के कुछ नियम तथा ब्याज पर रोक तथा उन पर कर लगाकर पोप द्वारा उस धन को विलासी कार्यों में खर्च करने से व्यापारी वर्ग की धर्म से आस्था दूर होती चली गई है। धर्म सुधार आंदोलन को राजतंत्र का सक्रिय समर्थन प्राप्त हुआ, क्योंकि पोप का हस्तक्षेप राजा और उसके दायित्व में लगातार बढ़ रहा था। राजा का सहयोग पाकर यह धर्म सुधार आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया है। धर्म सुधार आंदोलन का तत्कालीन कारण क्षमा पत्रों की बिक्री पर मार्टिन लूथर किंग के विरोध से आरंभ हुआ है। तो तत्कालीन कारण आप लोग जरूर याद रखा करिएगा, कोई भी अगर आंदोलन हो रहा है, कोई भी विद्रोह हो रहा है, तो उसका तत्कालीन यानी कि सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या था जिससे वो शुरू हुआ था, तो उसको जरूर याद रखा करिए, कई बार पूछ लेता है आपका। धर्म सुधार या प्रोटेस्टेंट आंदोलन 1517 में मार्टिन लूथर किंग ने, जो जर्मनी के विभिन्न बर्ग स्थित सेंट अगस्तीन चर्च के साधु थे, उन्होंने क्षमा पत्रों के विक्रय के संदर्भ में चर्च से विद्रोह कर दिया। उन्होंने चर्च के गेट पर 95 सूत्रीय धर्म सुधारों को लिख करके टांग दिया, जिससे ईसाई धर्म जगत में एक लहर दौड़ पड़ी और पूर्ण ब्रह्म लूथर को चर्च द्वारा धर्म से बहिष्कृत कर दिया गया। इसी से शुरू हो जाता है आपका। जर्मन के शासकों द्वारा मार्टिन लूथर किंग को इस कदम का समर्थन दिया गया, और लूथर ने राजा के सहयोग से एक स्वतंत्र जर्मन चर्च की स्थापना की, और इसी के साथ समस्त ईसाई जगत में धर्म सुधार आंदोलन आरंभ हो गया। जर्मनी में इसे प्रोटेस्टेंट, अमेरिका में प्यूरिटन और फ्रांस में ह्यूगेनॉट प्रोटेस्टेंट के नाम से जाना गया है। डेनमार्क स्वीडन नॉर्वे जैसे देशों में लूथर के विचारों को भरपूर समर्थन भी मिला है। जब अच्छा काम आप लोग करेंगे तो आपको समर्थन मिलना स्वाभाविक सी बात है। ब्रिटेन में स्थिति और अधिक गंभीर हो गई। यहाँ तलाक के मुद्दे पर राजा हेनरी अष्टम तथा पोप में विवाद उत्पन्न हो गया। राजा ने स्वयं को चर्च का प्रमुख घोषित कर दिया, और अंत में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के प्रयासों से यह गतिरोध समाप्त हुआ। जब राजकीय चर्च के रूप में कैथोलिक को समाप्त कर इंग्लैंड की चर्च की स्थापना की गई। इस प्रकार यह धर्म सुधार जर्मनी से प्रारंभ होकर संपूर्ण ईसाई जगत में फैला, और इस धर्म सुधार ने तत्कालीन समाज को बहुआयामी माध्यमों से प्रभावित भी किया है। अब बात करें धर्म सुधार के प्रभाव की, क्या प्रभाव रहा इसके बाद। तो धर्म सुधार के दौरान कैथोलिक चर्च की एकाधिपत्यता समाप्त हो गई, यानी कि जो उनका एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया। प्रोटेस्टेंट व अन्य राज्यों के चरणों की स्थापना हुई। इससे राज्य व्यवस्था तथा धर्म का पृथक्करण हुआ, जो आगे चलकर धर्म निरपेक्ष राज्य की अवधारणा में परिणित हुआ। आप भी अपने संविधान को देखते हैं तो हमारा एक तरह से देश धर्म निरपेक्ष है, समझ रहे हैं, सबके धर्मों को बराबर एक तरह से सम्मान दिया जाता है। इस धर्म सुधार से मानव जीवन रूढ़ियों अंधविश्वासों से पृथक हुआ, और एक दर्शन के रूप में मानववाद की अभिपुष्टि हुई है। इस धर्म सुधार से चर्च के आर्थिक प्रतिबंधों का समापन हुआ, और ब्याज पर ऋण देने की प्रवृत्ति से व्यापार में बढ़ोतरी हुई, और पूंजीवाद
अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। इस धर्म सुधार ने न्याय तथा कर प्रणालियों को चर्च के अधिकार से मुक्त कर दिया, यानी कि उससे छुटकारा मिल गया और इसे राज्य के अधिकार क्षेत्र में लेकर करके आए, जिससे एक शक्तिशाली राष्ट्र राज्य की अवधारणा का भी विकास हुआ। और इसका प्रभाव क्या रहा है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विकास से समाज में विषमता तथा असमानता फैली, जिससे समाज में तनाव व वर्ग संघर्ष की बढ़ोतरी देखने को मिली। इसके साथ ही चर्च का नियंत्रण कमजोर होने से विवाह मात्र एक निविदा बनकर रह गई और बाह्य तलाक की प्रवृत्ति भी बढ़ी, जिसमें इसमें समाज को महत्व ना देने की मानव मात्र को महत्व देने की आरंभ हुई। एक बात और याद रखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था में यही फर्क है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लाभ पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है और समाजवादी अर्थव्यवस्था में किस पर ध्यान दिया जाता है? समाज के कल्याण पर। समझ रहे हैं आप लोग? एक तरह से आप पूंजीवादी को हमारे यहाँ के जो व्यापारी होते हैं उन्हें समझ सकते हैं आप लोग, जो बिजनेसमैन होते हैं, और दूसरी तरफ आप समाजवादी में उन लोगों को रख सकते हैं, सरकार को रख सकते हैं। आपने देखा होगा कि सरकार कभी फायदे पर ध्यान नहीं देती है। सरकार क्या करती है कि मानव कल्याण की बात करती है कि सभी को सुविधाएं मिले, चाहे सरकार को एन घाटा हो जाए। प्रेस तथा कागज के विकास से धार्मिक ग्रंथों को विभिन्न भाषाओं में लिखा गया, जिससे ग्रीक तथा लैटिन भाषा की एकाधिपत्यता कम हुई और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। इसके उपरांत रोमन कैथोलिक चर्च ने स्वयं में सुधार करने का प्रयास भी किया, जिसे पिति धर्म सुधार के नाम से आप लोग जानते हैं। 1545 से 1563 तक रोमन कैथोलिक चर्च होने टेंट सुधार सभा की तथा स्वयं में अनेक सुधार किए। इस प्रकार दोनों ही सुधारों के उपरांत ईसाई धर्म अधिक विकसित हुआ तथा यूरोप से संपूर्ण विश्व में प्रसारित यानी फैला है। इसी क्रम में भौगोलिक खोजों के साथ ईसाई धर्म भारत की ओर भी पहुंचा। अगर भारत में हम लोग ईसाई धर्म की बात करें तो कुछ इतिहासकारों का तर्क है कि ईसा के दोनों में से एक सेंट थॉमस 52 में भारत आए और तथा तमिलनाडु में कुछ कार्य भी किए इन्होंने, परंतु भारत में मुख्य रूप से ईसाई धर्म का प्रसार दो व्यवस्थाओं के अंतर्गत रहा है, एक मध्यकाल के दौरान, दूसरा ब्रिटिश शासन के संरक्षण में। मध्यकाल के दौरान अगर बात करें हम लोग तो मध्यकाल के दौरान ईसाई धर्म 1498 में पुर्तगालियों द्वारा भारत तथा यूरोप के समुद्री मार्ग की खोज से भारत आया और यूरोप के मध्य व्यापारिक व सांस्कृतिक आदान प्रदान हुए। मुगल बादशाह अकबर तथा जहांगीर पुर्तगालियों से प्रभावित भी हुए। पुर्तगालियों के द्वारा मुगल बादशाह अकबर तथा जहांगीर को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास भी किया गया था। अकबर द्वारा धार्मिक चर्चों के लिए बनवाई गई इबादत खाने में ईसाई धर्म के विद्वान को भी बुलाया गया था। तो मध्यकाल से आप कह सकते हैं कि हमारे देश में भी काफी प्रभाव देखने को मिलता है। पर आप देखेंगे विजयनगर के महानतम शासक कृष्णदेव राय के दरबार में भी ईसाई धर्म प्रचारकों का आना जाना लगा रहा। इस प्रकार मध्यकालीन भारत में ईसाइयों का भारत में आना प्रारंभ हो चला। अगर हम लोग अंग्रेजों के शासन की बात करें ब्रिटिश शासन के संरक्षण में, तो 18वीं शताब्दी में भारत में राजनीतिक उथल पुथल का दौर आरंभ हुआ, जिस उथल पुथल में मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हुए। इस दौरान ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा संरक्षित ईसाई मिशनरियों ने बंगाल तथा कबीलाई इलाकों में पहुंचकर धर्मांतरण की प्रक्रिया भी आरंभ की। आज भी यंग क्रिश्चियन मिशन भारत में ईसाई धर्म का प्रचार भी करते हैं और ईसाई मिशनरियों द्वारा शिक्षा और चिकित्सीय सहायता भी प्रदान की जाती है। आज के समय में ईसाई धर्म के अनुयायियों को भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है और भारतीय संविधान इनके धार्मिक अधिकारों के संरक्षण की गारंटी प्रदान करता है। आप जानते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों में धर्म की एक तरह से स्वतंत्रता मिली हुई है, किसी धर्म को मानने की, प्रचार करने की। आपने देखा होगा भाग 3 में आर्टिकल आपके जो 12 से 35 तक दिए गए, इसमें आपके मौलिक अधिकार दिए गए। इन सबको आप लोग कंठस्थ याद रख लीजिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है और मैं कहता हूँ क्वेश्चन ना आए फिर भी आपको याद होना चाहिए। और आप मौले जो अधिक अपने धर्म के अधिकार की बात करते हैं, आर्टिकल 25 से 28 तक आप लोग देखते होंगे इसमें, ठीक है। लास्ट में क्या कह सकते हैं आप लोग? ईसाई धर्म आज संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा धर्म बन चुका है। संपूर्ण विश्व में इसके लगभग आप देखेंगे 2.168 बिलियन अनुयायी हैं, जो वैश्विक जनसंख्या का लगभग 31% है। भारत में यह हिंदू तथा इस्लाम धर्म के उपरांत तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। पहले नंबर पर आप देखते हैं कि हिंदू हैं, दूसरे पर मुस्लिम है हमारे देश में, और तीसरे नंबर पर आपके कौन है? ईसाई है, जहां 31.9 मिलियन जनसंख्या इनकी। लगातार सुधारों के उपरांत ईसाई धर्म आज एक मजबूत और तथा विकसित धर्म बन चुका है, जहां राज्य व्यवस्था अर्थव्यवस्था को धर्म से पृथक रखा गया है और इस प्रकार यह मानव के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। तो याद रखिए, आपका सामान्य अध्ययन प्रश्न पेपर फर्स्ट मुख्य परीक्षा की बात कर रहा हूँ, विश्व इतिहास और कला संस्कृति से जुड़ा हुआ टॉपिक है और आप लोग अगर ऑप्शनल लिए हुए हैं तो उससे भी जुड़ा हुआ है, ठीक है।
इस तरह के टॉपिक आप लोग जो भी धर्म हो, फिर चाहे हिंदू धर्म की बात करें, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, ईसाई, इन सब के बारे में सामान्य जानकारी याद रखिए, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आपका पूछ लेता है आप लोगों से, तो इसके बारे में यही पॉइंट रखिए। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में हम लोगों ने बड़े विस्तार से बात की हुई थी, उनकी बायोग्राफी कवर की हुई थी, आपके सभी राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री साहब हों, और भी सबकी बायोग्राफी कवर करवा चुके हैं, तो आप लोग जाकर वहां देख सकते हैं। ठीक है,